हेलो फ्रेंड्स यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक मेक सो फ्रेंड आज हम लोग इस वीडियो में हीट ट्रीटमेंट के बारे में स्टडी करेंगे सो फ्रेंड आइए हम लोग जानते हैं हीट ट्रीटमेंट के बारे में हीट ट्रीटमेंट क्या है हीट ट्रीटमेंट क्यों आवश्यक है तथा कितना टाइप का हीट ट्रीटमेंट होता है इसके बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से स्टडी करेंगे दोस्तों सो हीट ट्रीटमेंट इट इज़ अ प्रोसेस फॉर विच द मेटल और एलोय आर हिटेड एंड चिल्ड विद अ सर्टन रेट वी कैन चेंज द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल थ्रू इट दोस्तों ही ट्रीटमेंट जो है एक प्रकार की प्रोसेस है जिसमें किसी भी धातु को हम लोग सटेन टेम्परेचर पर हीट करके उसको फिर हम लोग सटेन रेट पर ठंडा करते हैं जिससे क्या होता है उसका जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है उसमें चेंजिंग होता है दोस्तों तो ये हुआ ही ट्रीटमेंट अब हम लोग जानेंगे नेसेसिटी ऑफ ही ट्रीटमेंट ही ट्रीटमेंट का क्या उद्देश्य होता है इसके बारे में तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है टू मेक सॉफ्ट द मेटल सो दैट इट कैन बी इजीली मशीनिंग धातु को हम लोग सॉफ्ट करते हैं जिससे क्या होता है कि मशीनिंग का जो कार कार्य होता है वो आसानी से कर सकें पॉइंट नंबर टू हार्डनेस प्रॉपर्टी टू बी इंक्रीज ऑन कटिंग टूल सो दैट इट कैन कट अदर मेटल कटिंग टूल में हार्डनेस का गुण को लाते हैं जिससे क्या है कि वो दूसरा कोई भी मेटल को आसानी से कट सके पॉइंट नंबर थ्री टू रिड्यूस ब्रिटलनेस ऑफ हार्ड एंड मेटल एंड इंक्रीज टफनेस हार्ड की हुई धातुओं का ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी को कम करके उसका टफनेस का प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं पॉइंट नंबर फोर रिफाइन द ग्रेन साइज ऑफ मेटल धातु के ग्रेन साइज को रिफाइन करने के लिए भी हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं पॉइंट नंबर फाइव टू स्केप द रस्ट फ्रॉम द मेटल इसमें क्या होता है कि धातु पे जो रस्ट लगता है इससे बचने के लिए भी हम लोग ही ट्रीटमेंट का क्रिया करते हैं पॉइंट नंबर सिक्स टू रिमूव इंटरनल स्ट्रेसेस क्रिएटेड वन वर्किंग ऑफ हॉट एंड कोल्ड कंडीशन ऑफ मेटल जब भी कोई मेटल पे हॉट तथा कोल्ड जो वर्किंग कंडीशन होता है वो कार्य करने से उसका इंटरनल स्ट्रेसेस रिमूव होता है तो दोस्तों ये हुआ हीट ट्रीटमेंट का मेन उद्देश्य द फ्लोइंग प्रोसेसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट्स आर पॉइंट नंबर वन एनलिंग पॉइंट नंबर टू नॉर्मलाइजिंग पॉइंट नंबर थ्री हार्डनिंग पॉइंट नंबर फोर टेम्परिंग पॉइंट नंबर फाइव सरफेस हार्डनिंग सरफेस हार्डनिंग भी दो तरह का हार्डनिंग होता है एक होता है कोर हार्डनिंग और सेकेंड होता है केस हार्डनिंग सो so, सबसे पहला पॉइंट है एनेलिंग एनलिंग क्या है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ही ट्रीटमेंट फॉर विस वी कैन सॉफ्ट द मेटल बाई दिस प्रोसेस एनलिंग के थ्रू क्या होता है कोई भी हार्ड मेटल को इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग सॉफ्ट करते हैं ताकि वो मेटल को हम लोग मशीनिंग प्रक्रिया कर सकें दूसरा पॉइंट है नॉर्मलाइजिंग नॉर्मलाइजिंग इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ही ट्रीटमेंट फॉर व्इस वी कैन रिफाइन द ग्रेन साइज ऑफ द स्टील नॉर्मलाइजिंग में क्या होता है बेसिकली नॉर्मलाइजिंग से कोई भी स्टील को कोल्ड तथा हॉट वर्क करने के बाद उसे uh, सामान्य दशा में यानी नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए जो वर्क करते हैं उसे हम लोग नॉर्मलाइजिंग कहते हैं हार्डनिंग इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हिट ट्रीटमेंट फॉर विच वी कैन मेक द मेटल हार्ड सो दैट इट कैन कट अदर मेटल हार्डनिंग में क्या होता है बेसिकली इस uh, ट्रीटमेंट के प्रोसेस के थ्रू हम लोग कोई भी मेटल को हार्ड करते हैं यानी उसका मेटल का हार्डनेस का जो प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग इनक्रीज करते हैं ताकि वो स्टील हार्ड हो और कोई भी मेटल को आसानी से काट सके फोर्थ वन इज टेम्परिंग इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट फॉर विच वी कैन रिड्यूस दिटलनेस प्रॉपर्टी ऑफ स्टील बाई दिस प्रोसेस टेम्परिंग में क्या होता है इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग मेटेल में जो ब्रिटेलनेस प्रॉपर्टी होता है ब्रिटेलनेस का मतलब होता है भंगुरता उस प्रॉपर्टी को हम लोग रिड्यूस करते हैं कम करते हैं तथा टफनेस प्रॉपर्टी को इंक्रीज करते हैं इस प्रोसेस के थ्रू फिफ्थ वन इज सरफेस अर्निंग सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर विच वी कैन हर्ड द सरफेसेस ओनली एदर इनर और आउटर ऑफ द सेंटर सरफेस हर्निंग के थ्रू हम लोग मेटल का सेंटर से आउटसाइड या फिर इन साइड सरफेस को हार्डनिंग कर सकते हैं तो सरफेस हार्डनिंग दो तरह का होता है एक होता है कोर हार्डनिंग और सेकेंड वन केस हार्डनिंग सो केस हार्डनिंग के थ्रू हम लोग मेटल को हार्डन करते हैं सेंटर से आउटर सरफेस में सो दिस वाज द वीडियो ऑन हीट ट्रीटमेंट थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो मैं और इस तरह का वीडियो इस चैनल के माध्यम से अपलोड करूँगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मैकेनिकल ट्रेड से रिलेटेड मिल सके मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू सो मच